यह क्वेश्चन जो है आपका एज एज रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया, बहुत इस पर कंसेप्ट है। और जो बच्चा इस क्वेश्चन को और बना ले रहा है तो सोचिए कि उसको SSC और बैंक PO उसको का एकदम 100% उसको रखा हुआ है। इस तरह का जो क्वेश्चन बच्चा बना रहा है इसका मतलब कि उसके पास बहुत सारे कंसेप्ट भरा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम इतना बात आपको बोल रहे हैं, आपको इसको गौर से देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर आप SSC तैयारी कर रहे हैं और बैंक PO तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बहुत सारा इस पर कंसेप्ट है। देखिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप मतलब कि मेरे को सपोर्ट करने के प्रयास कीजिए। जय हिंद। अब आगे आते हैं, एक पिता तथा एक पुत्र की वर्तमान वायु का योग इतना है। मतलब एक पिता है, एक बेटा है, पुत्र, दोनों का उम्र जो है एक और एक से इसको वायु है वर्तमान, तो दोनों का युग जो है आपका x+y=99 है। इसे मग इसको एक और एक से है तो इसको क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया, कह रहा है कि कुछ समय पहले पिता जो थे वाई के थे, जब वह वाई को कितना वर्ष पहले, तो इसमें से घटा लेंगे, इसमें कि इतना वर्ष पहले, तो इतना कह रहे इतना वर्ष पहले इनका उम्र इतना होगा। अब बेटा का उम्र हो जाएगा आपका वाई प्लस, घटेगा ना जी, तो हो जाएगा आपका 2y-x। इतना बेटा का उम्र हो जाएगा इसका, पुत्र का उम्र हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें पहले के बाद घटाना है, तब पहले हो जाएगा बेटा का उम्र, हो जाएगा आपका बेटा का पुत्र का उम्र। तो ये पुत्र का पहले का उम्र हो जाएगा और बाप का जो पहले का उम्र हो जाएगा यह हो जाएगा वाई। अब ध्यान देना जरूरी है इसमें कि कह रहा है कि दोनों का इतना उम्र हो जाएगा, तो अब कह रहा है कि जो पुत्र की उम्र जो था, बेटा की उम्र जो था उसका, कोई अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 8y-4x=y। इसको आ जाएगा यहाँ से इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 7y=4x, हो जाएगा 4x, वाई के माना गया 4x/7, और x+y=, आपका 99 दिया हुआ, इसका मान रख देंगे तो यह x+4 7 हो जाएगा 99, तो 11 हो जाएगा, हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका 11×7=, हो जाएगा यह कट जाएगा तो 11 से कट जाएगा 9 हो जाएगा, 963 हो जाएगा, तो एक्स का मान 63 हो गया। और वाई के मान निकालना है तो क्या करेंगे, 4x/7, तो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 63/7, 963 6×28 मतलब 9×36 हो गया। 30 बहुत क्वेश्चन ईजी था, बट बस अर्थ ये बात दिमाग में लगाना जरूरी है कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, ध्यान क्या कह रहा है कि वर्तमान उम्र जो योग इतना है, जब पिता की वायु योग उतनी थी, उतने थी जबकि पुत्र कभी हैं, इसका मतलब कि वह उस कंडीशन पूछ रहा है, जब मान लीजिए पुत्र को अभी उम्र अगर उतना एक वायु है तो उसको पिता की उम्र जो वायु हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना वर्ष पहले, तो इसमें से वायु अगर घटा रहे तो इतना वर्ष पहले की घटना घट रहा है, तो इतना वर्ष पहले उसका पुत्र का उम्र का घटाएंगे उसमें एक्स वाई में से, तो इतना हो जाएगा तो 2y-x होगा। अब कह रहा है कि प्रश्न से कह रहा है कि जो पुत्र का जो उम्र है उसके जो पहले का जो उम्र जो है उसके 4 गुना होता है, तो 4 इसमें अगर पुत्र की उम्र 4 गुना कर देंगे तो बेटा बाप का उम्र आ जाएगा, तो दोनों को क्या गुना कर दिया तो 4y-8y-4x हो जाएगा 4x=y हो जाएगा वाई, और इधर ले गया तो 7 हो जाएगा y=4x, तो वाई के माने यहाँ पर 7 आ गया, x+y=99 दिया हुआ है, तो यहाँ पर वाई के माने यहाँ पर 4x/7 रखेंगे तो यहाँ पर बाटा पे कैट बना ले जोड़ बना, तो 7x+4x तो हो जाएगा 11x/7 हो जाएगा, यह 99 है, 11 से कटा देंगे हो जाएगा आपका 9 बचेगा यहाँ पर, तो x=, गुना इसमें करेंगे 9 से तो हो जाएगा आपका 17 से, तो 9 से 63 हो जाएगा, x के माना बाप को अगर उम्र 63 हो गया तो बच्चा का उम्र पक्का हो जाएगा कि मतलब 36 हो गया, क्योंकि दोनों की उम्र 99 है। आई होप समझ गए होंगे, यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इस तरह क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको
100% डीटो है, मार देंगे कि आपको एसएससी और कहा था आप मतलब कि बैक टू एकदम 100% क्वालिफाई हो जाइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी अभी यूट्यूब जो बना है नया है और आपको सपोर्ट चाहते हैं, तो इतने आप थोड़ा सा आप मेहरबानी कीजिए अपने भाई समझ कर, अपने दोस्त समझ कर, अपने पास पड़ोसी के समझ कर। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो जाने को अनुमति दीजिए।